तो मेरी मम्मी ने जाके उनको पूछा कि अब इसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो बैडमिंटन ज्वाइन करें. कैंपस में हॉकी भी चलता था, तो उन्होंने बोला कि इसको हॉकी में डाल दो, फिर जगह होगी तो मैं बैडमिंटन में बुला लूँगी. तो फिर मैंने, मेरी मम्मी ने बोला ठीक है, कुछ खेल तो खेलना था. तो मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 महीने हॉकी खेली, फिर उन्होंने बोला कि अभी जगह हो गई है बैडमिंटन में. तो ऐसा मेरा जर्नी रहा. फिर मैंने सुहानी और राम है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ. मैं स्पोर्ट क्लाइंबिंग खेलती हूँ. मेरे मन में एक तो क्वेश्चन है आपके लिए, जब मैं आपको पूछना चाहती हूँ. मैं पूछना चाहती हूँ, जब हम छोटे थे तब तो हमारे हम जब छोटे हैं हम खेलते हैं तब हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि मतलब इतना मत खेलो, खेलो लेकिन इतना मत खेलो, पढ़ाई में ध्यान दो. आप जब छोटे थे आपको भी आपके मम्मी पापा ऐसे बोलते थे? फॉर्चुनेटली मेरी मम्मी भी एक स्पोर्ट्समैन रह चुकी है, तो वो मुझे बहुत इनक्रेज करती थी कि तुम खेलने जाओ. और तभी हमारे टाइम पे मोबाइल टीवी में भी एक चैनल आता था, तो वही जैसे अभी बहुत सारे चैनल्स वगैरह आते हैं ना, आप ये देख सकते हो वो देख सकते हो, तभी उतना सब अवेलेबल नहीं था, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ही खेलते थे. तो ऐसे ही मैंने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप किया था. तब तक मैं स्कूल में आई यूज़ टू बी मतलब नंबर 1 पे रहती थी क्लास में रैंक, लेकिन जैसे ही मैंने स्पोर्ट किया थोड़ा सा नीचे आ गया. ऐसा नहीं कि मैं फेल हो रही थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे. वो बोलते थे कि नहीं तुम जाओ खेलो, बिकॉज उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ाई में भी डिसेंट मार्क्स लेके आऊँगी. वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं नंबर 1 ही रहूँ पढ़ाई में, लेकिन डिसेंट मार्क्स जो हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्शन जो बोलते हैं ना, वो तो लेके डेफिनेटली आएगी. उतना उनको कॉन्फिडेंट था. तो वो कॉन्फिडेंट आपको उनको दिलाना पड़ेगा. जब उनको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो और पढ़ाई के साथ साथ आप खेल भी रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको वो सपोर्ट करेंगे. मैम आप तो बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो आपको बैडमिंटन खेल के सबसे अच्छा चीज क्या लगा? बैडमिंटन एक ओवरऑल स्पोर्ट बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्ट्रेंथ पूरा सब यूज़ होता है. तो एक कंप्लीट स्पोर्ट है तो आप जब खेलते हो तो. और उसमें ना स्किल जो लेवल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा गेम डिसेप्टिव गेम करके ले, डिसेप्शन आपने सुना है? डिसेप्शन मतलब दिखाते हैं हम यहाँ पे मारेंगे, जैसे टेनिस में भी रहता है कभी कभी, हम यहाँ पे मारेंगे लेकिन मारते हैं दूसरी जगह. तो वो जो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा गेम वैसा होता था. तो मैं अभी भी जानी जाती हूँ वो गेम के लिए. मैम आपके साथ एक क्वेश्चन करना था. हम जब खेलते हैं तो हम हार जाते हैं, तो इसके साथ उसके साथ बहुत झगड़ा करते हैं. जब आप हार जाते हैं तो आपके मन में क्या ऐसे क्वेश्चन आता है क्या? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबको ये फीलिंग आनी ही चाहिए. मुझे लगता है हमेशा जीतना अच्छी बात नहीं है, हारना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. हारने के बाद हम बहुत सीखते हैं, ठीक है. मेरे साथ तो हारने के बाद बुरा तो लगता ही है, वो तो बनता ही है थोड़ा बहुत, तो है ना. स्माइल तो नहीं कर सकते इमिजिएटली हारने के बाद, तो जो बुरा लगता है ना वो अच्छी बात है थोड़ी. और वो लेकिन वो लिमिट के बाहर भी नहीं रखना चाहिए आपके माइंड में. जब आपको वो बुरा लग रहा है तब आपको कंट्रोल करके आपको देखना पड़ेगा कि एनालाइज बोलते हैं जैसे हम लोग, कि क्या मैंने गलत किया, क्या सही करना चाहिए था, ये सब चीज़ें आपको तभी एनालाइज करनी चाहिए. अब जैसे ही आपका माइंड में वो सब चीज़ें आप रेडी करते हो कि मैंने ये गलत किया, ये इसमें सही कर किया है, ये करना चाहिए था, ये सब, उसके बाद वो बात आपके माइंड से निकाल देनी चाहिए कि मैं हार चुकी हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम आप खेलने जाओ तो आप पॉजिटिव माइंड से जाओगे. बड़ी होकर मुझको पेयर्स हुआ तो मेरा कमर और मेरा पैर बहुत कष्ट हो रहा था. तो मैम आपका भी तो बड़ा होकर प्रोर्स हुआ, तो आपको कैसा लग रहा था मैम?
पहले तो ऐसा लग रहा था क्यों आया, क्यों आया है ये, ठीक है, लेकिन जैसे आपने बोला ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, हमें भी होता था, हर किसी को होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉबैक मान के नहीं चलना चाहिए। आप देखते हो कितने सारे हमारे इंडिया के विमेन एथलीट्स अभी कितना ओलंपिक में मेडल्स ला रहे हैं, तो वो लोग कैसे आगे गए, करेक्ट, उनको भी होता होगा पेन, उनको भी होता, माइंड से बस निकाल देना, वो बात को सोचना नहीं है, उसको ऐसे सोचो कि ये मुझे और ताकत देगा, ठीक है।